तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रीय स्तर पर आज लगातार पांचवें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब राज्य स्तर पर तेल पर लगने वाले वैट को कम किया जा रहा है, जिससे वाहन ईंधन की कीमतों में गिरावट आने से लोगों को राहत मिल रही है। पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103.97 रुपए जबकि डीजल का भाव 86.67 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 109.98 रुपए और डीजल 94.14 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.67 रुपए जबकि डीजल का 89.79 रुपए लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101.40 रुपए लीटर है तो वहीं डीजल 91.43 रुपए प्रति लीटर पर टिक गया है। अगर महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है, वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल चेन्नई में तो डीजल सबसे सस्ता दिल्ली में मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्यों में वैट घटाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के वैट में फिलहाल कोई कटौती नहीं की है, लेकिन आम जनता को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। दिवाली से पहले ही एक खास तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया था और केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी जो है उसको कम कर दिया गया था। ऐसे में अब राज्य सरकारें धीरे धीरे वैट को लागू कर रही है और वैट को घटा रही है, जिसकी वजह से अब राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तमाम राज्यों की तो दिल्ली में सबसे सस्ता डीजल मिल रहा है।